possible living in Indian family टू डू अ डायट एक्सपेशली आपको छोड़ दो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. सो एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड येस वन मोर थिंग, मुझे डोमैट ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मेरी हुआ था, मुझे सब पतला बोलते हैं यार घर में. हाय गाइस, सो टुडे आई विल टेल यू हाउ आई क्योर्ड माई हॉर्मोनल एक्ने जो मुझे अभी हो चुका है ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 months. एंड ये वीडियो मैं इतने दिनों बाद इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी श्योर कि मैं पहले इस सबको सेटल कर लूँ कि ये चला गया है एंड इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ. एंड आई एम सॉरी फॉर द वॉइस बिकॉज मेरे पास कोई माइक नहीं है एंड आई एम जस्ट शूटिंग इट रॉ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुझे एटलीस्ट हो रहा था 2-3 months से, कभी दो कभी एक, कभी दो कभी एक. एंड बहुत ही पेनफुल सिस्ट मुझे होते थे जिसमें एक वाइट हेड होता था और उसमें एक रेड कलर का, एक बहुत ज़्यादा पेनफुल, एंड वो जाता भी नहीं था, वो बहुत टाइम बाद जाता था. सो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं. एंड जब वो गया ही नहीं, जब वो एटलीस्ट मुझे 2 months हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब कुछ इसको अब ठीक करना ही करना है. तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी एंड उन्होंने मुझे ये कुछ मेडिसिंस दी थी. बट जाते ही उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली दैट हॉर्मोनल एक्ने इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. दैट मींस कि ये सिर्फ बाहरी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में आपकी लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये एक्ने आते हैं. व्हेन आई वेंट टू द डर्मेट, मेरी एज थी 26, अभी 26 ही है. सो उन्होंने मुझसे जाते ही 3-4 क्वेश्चंस पूछे, व्हाट्स माय एज, देन उन्होंने मेरी लोकेशन देखी. मेरी जो मेन लोकेशन थी फॉर एक्ने वाज हियर लोअर फेस, बट जो मुझे पिंपल्स हुए थे वो यहाँ आते, तो मुझे लगा यार चीक्स में हो गए. एंड यहाँ पर भी यहाँ पर था, मुझे यहाँ पर इतना कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर एक दो होते थे बट वो इतना चले जाते थे. तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आपको आपकी पीरियड्स रेगुलर है या नहीं है, जो कि मेरी 90% रेगुलर है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे कि मेरे बालों में डैंड्रफ है या नहीं है. अब मुझे नहीं पता डैंड्रफ का क्या रोल है, बट उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था. तो मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे और उन्होंने मुझे बता दिया कि आई हैव एन हॉर्मोनल एक्ने. मैंने बोला कि नहीं, ये तो यहाँ पर चीक्स पर है. कि ही सेड नो, यहाँ से ईयर से लेकर इस स्लांटेड, अगर आपको यहाँ तक आपको अगर एक्ने है, वो हॉर्मोनल एक्ने होता है. एंड आई गॉट रियली टेंस बिकॉज मैंने इंटरनेट पर सारे को देखा हुआ था दैट इट इज PCOS, इट्स PCOS एंड PCOD एंड आई वाज बीइंग डिक्लेयर्ड. सो मुझे तो भाई बहुत टेंशन हो गई. आई वाज लाइक चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे, बट लेट मी टेल यू, सिर्फ ये मेडिसिन से नहीं हुआ है ठीक. उसके बाद मैंने क्या क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करा है, और आई एम सॉरी फॉर द नॉइज, और मैंने अपनी डाइट में क्या क्या करा है, आई विल टेल यू एवरीथिंग. बट लेट जस्ट मूव ऑन टू दिस बिकॉज ये मेडिसिन से मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं हुआ. दिस इज लाइक कि ओवरऑल एक आपको एक कंट्रोल मिल जाता है ताकि आप इतने में अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट क्रीम मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट द वार्निंग ओवर हियर, ऑल ऑफ दीज मेडिसिन दैट आई एम गोना टेल यू आर बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय माय डर्मेट. एंड ये आप आई थिंक डर्मेट की ही प्रिस्क्रिप्शन से यूज कर सकते हो, बाकी आप ऐसे यूज मत ही करना बिकॉज इस पे वार्निंग भी दी गई हुई है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्रीम थी एक्लिंट आई विल पुट इट एक्लिंट BP 2.5%. इसमें क्लिंडामाइसिन एंड बेंजोल पेरोक्साइड है. बेंजोल पेरोक्साइड आपको पता है काफी अच्छा इंग्रीडियंट है एंड क्लिंडामाइसिन. ओके, सो दिस इज द क्रीम हाउ इट लुक्स लाइक. एंड इसमें 1% क्लिंडामाइसिन है एंड बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% है. सो ये मुझे यूज करना था इन द मॉर्निंग. आई वेक अप एंड मुझे 1.5 hours जहां पर मुझे एक्ने हो रहा है सिर्फ वहां लगाकर छोड़ देना है फॉर 1.5 hours. एंड उसके बाद सिंपली वॉश कर लेना अपना फेस. एंड दिस वॉज इट. एंड क्लिंडामाइसिन इज ग्रेट, ये एंटीबैक्टीरियल होता है. सो
बट अगेन आई टेल यू कि आपको ज्यादा दिन क्यों नहीं यूज करना है. एंड उसके बाद वॉश ऑफ करने के बाद मुझे दिया गया था ये वाली क्रीम, जो कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है, एरिटॉप एन. इसमें भी क्लिनामाइसिन है और निकोटिनामाइड क्रीम, निकोटिनामाइड जेल, जो कि है नायसिनामाइड. अगेन नायसिनामाइड आपको पता है काफी अच्छी क्रीम होती है. अगेन क्लिनामाइसिन इसमें 1% है, निकोटिनामाइड इसमें 4% है. इसमें भी आप देख सकते हैं वार्निंग दी गई है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ. सो ये मुझे यूज करना था ये वॉश करने के बाद. वॉश करने के बाद ये फुल फेस मॉइस्चराइजर की तरह मुझे यूज करना था ये मॉर्निंग में, ठीक है. उसके बाद रात को सिंपली वॉश ऑफ योर फेस विद एनी सोप, एनीथिंग. मैंने यूज करा था डव सोप बिकॉज मुझे वॉइस सूट होता है. मैंने डॉक्टर से पूछा था इफ आई कुड एंड ही सेड यस. सो उसके बाद मैंने ये यूज करा है सिंपली इन द मॉर्निंग एज अ मॉइस्चराइजर. एंड नाइट, नाइट में ये एक्लिंट वाली यूज नहीं करी है मैंने. सो दिस वॉज माई रूटीन फॉर 15 to 20 डेज. एंड मुझे ये था कि बस नए पिम्पल्स नहीं आए, एंड नए पिम्पल्स मुझे नहीं आए. एंड उसके बाद की एक्चुअली मेन वीडियो होने वाली है, बिकॉज ये तो था कि थोड़ा चलो कंट्रोल हो गया उस टाइम पर होने वाला है. बट इसके बाद मैंने क्या करा, सिंपल रूटीन आपको फॉलो करना है अगर आपको हार्मोनल एक्ने हो गया है, आपने थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लिया है. अगर नहीं भी करा है तो आप, मैंने सबसे पहली चीज करी थी मैंने एसेंस, मैंने कोई भी तरह का टोनर सीरम सब कुछ छोड़ दिया. मैंने सिर्फ क्या यूज करा, डव सोप लगाने के बाद मैंने एलोवेरा जेल यूज करा. एंड मैंने एक अपनी रूटीन भी बताया था, उसमें मैंने ये यूज करा था. एंड आई थिंक ये मुझे बहुत अमेजिंगली सूट करा है. मुझे पता है ये सबसे बेस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंग्रीडियंट लिस्ट, इसमें सिर्फ 90% है, विथ फ्रेग्रेंस भी है और प्रिजर्वेटिव्स भी है, बट स्टिल आई डोंट नो फॉर समहाउ दिस हैज वर्क्ड लाइक ब्यूटिफुली एंड आई लव दिस थिंग. एंड मैंने सिर्फ, मुझे हो गया ऑलमोस्ट 4 to 5 months एंड मैं ये यूज कर रही हूँ. एंड अभी तक कोई भी एक्ने नहीं आया है मेरे फेस पे, टच वुड. एंड सबसे पहले चीज मैंने आपको यही करनी है कि स्किन केयर आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करना है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग जो कि काफी ज्यादा एक स्टूपिडिटी लगेगी, बट दिस इज ट्रू, कि मैंने सनस्क्रीन छोड़ दिया लगाना, एक्स्पेशली घर पर. अगर मैं घर पर हूँ, सॉरी फॉर द नॉइज, अगर मैं घर पर हूँ तो मैंने सनस्क्रीन बिल्कुल छोड़ दिया लगाना. अगर मैं बाहर जा रही हूँ डायरेक्ट सनलाइट में, तभी मैंने यूज करा है सनस्क्रीन, ठीक है. और सनस्क्रीन भी आपको वो यूज करना है जो थोड़ा फॉर एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, जो कि आई वुड रिकमेंड सनकोट जेल आप यूज कर सकते हो, बिकॉज वो वाला मुझे डोमैट ने बताया था. एंड या इसके अलावा मैंने कुछ भी यूज नहीं करा है फॉर द फेस. मैं कभी कभी मुल्तानी मिट्टी यूज करती हूँ, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी से आपका जितना भी आपकी स्किन में ऑयलनेस है वो सब निकल जाएगी. एंड बेसन स्क्रब ये थोड़ा बहुत करती थी, बट एक्सेप्ट दैट मैंने अपनी स्किन पर सब कुछ लगाना बंद कर दिया फॉर अ टाइम बींग. एंड ट्रस्ट मी, इट वुड वर्क वंडर्स. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग जो आपको अपनी लाइफ में करना है, विच इज, मुझे डॉक्टर ने कुछ चीजें बताई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट डाइट. डाइट में उन्होंने मुझे सिर्फ दो चीज बोला करने के लिए. सबसे पहली चीज उन्होंने मुझे बोला अपनी मिल्क कंजप्शन को कम करने के लिए. तो मैंने पूछा कि बिल्कुल बंद कर दूं, उन्होंने कहा नहीं बंद नहीं करना है, कम कर देना. सो मैं अब कर्ड भी खाती हूँ, मैं पनीर भी खाती हूँ, मैं घी भी खा लेती हूँ, मैं बाहर के स्वीट्स वगैरह भी खाती हूँ, लिटरली मैं सब कुछ खा लेती हूँ, एज सच कुछ नहीं है. बट आप थोड़ा सा कम कर देना. मैंने सिर्फ एक चीज छोड़ दी है, दैट आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट. अर्लियर सो मैंने एक ही चीज छोड़ी है, दैट इज मिल्क. मैं रात को बिना दूध के पिए बिना मुझे नींद नहीं आती थी, बट दैट इज दी ओनली थिंग. मैं कर्ड, पनीर, चॉकलेट्स, मैं ये सब खा लेती हूँ. बट या आपको सबसे पहले अपनी डाइट में से मिल्क का कंजम्पशन कम करना है, तो दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने मुझे कोई ऑयली फूड से या कुछ ऐसा मुझे नहीं बोला कि आपको कम करना है या कुछ, बट उन्होंने मुझे बोला बस
हेल्दी थोड़ा सा होना चाहिए डाइट में, बाकी सब सही है। सो मैं एक अपनी डाइट में ना एक्चुअली एक थोड़ा सा ना कॉन्शियस एफर्ट डालती हूँ कि ज्यादा मैं कुछ इतना ऑयली नहीं खा रही हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं घर का बाहर का सब कुछ खाती हूँ, बट जैसे दिन में कुछ हो गया तो मैं एक टाइम पर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, यू नो स्नैक्स वगैरह या कुछ, बट एक्सेप्ट दैट मैं सब घर का खाना ही खाती हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं चाय भी पीती हूँ। ये मिल्क सब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बंद करना है, आई थिंक बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल लिविंग इन इंडियन फैमिली टू डू अ डाइट, एक्सपेशली आपको छोड़ दो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सो या डेफिनेटली आप कम कर सकते हो। सो मैंने मिल्क छोड़ दिया था, बट मैं मिल्क में चाय पी रही थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। सिर्फ रात को एक कप वो छोड़ा है, बाकी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और ओवरऑल बस डाइट में थोड़ा सा यू नो थोड़ा थोड़ा मैंने जैसे सीड्स ऐड कर लिए थी ना, ठीक है। और या वो आप अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं क्या खाती हूँ, जो कि मैं डालती रहती हूँ शॉर्ट्स पर, आप देख सकते हो। बट या थोड़ा बहुत मैं बस यही करा मैंने। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, एंड एक्सरसाइज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड येस, वन मोर थिंग, मुझे डोमैट ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मेरी स्किन पर बियर्ड इंक्रीज तो नहीं हो रही है, तो वो कि नहीं हो रही थी। एंड अगर आप शेव करते हो अपना फेस, आई डोंट नो, इट्स लाइक इट्स नॉट अ मिथ दो, बट आपकी स्किन पर एक्चुअली बाल थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अभी जो कि आपको फर लगते हैं, थोड़ा बेबी यू नो बेबी हेयर लगते हैं, अगर आप वो शेव करते हो, वो आपको कॉन्शियसली हर वीक निकालना ही पड़ेगा, जो कि अब इतनी ज्यादा नीड नहीं होती। बट आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट टॉपिक राइट नाउ। सो अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है या कुछ, मेरा वेट इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मुझे सब पतला बोलते हैं यार घर में, बट पता नहीं ये कैसे हो गया। सो या मैंने एक्सरसाइज चालू करा है एवरी डे 1 आवर। एंड मैंने अपनी चैनल पर ना एक प्लेलिस्ट बनाई है वर्कआउट के नाम से, आप वो चेकआउट कर सकते हो। मैंने योगा भी करा था, मैं साइकिलिंग पर जाती हूँ, और कभी कभी रनिंग पर, कभी जॉगिंग पर, या कभी ऐसी वॉक पर चले गए। एंड बट या मैंने योगा स्टार्ट करा था। मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया जो जो मैं फॉलो करती हूँ। कभी ऐसी कार्डियो कर लिया घर पर। सो कुछ ना कुछ करना है आपको एटलीस्ट 1 आवर इन अ डे, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करे एंड उसमें ब्लड सर्कुलेशन रहे। सो आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। सो ये क्रीम्स जो मैंने आपको बताई है, प्लीज़ अगर हो सके, जो कि आई नो लोग पता नहीं फॉलो नहीं करते, बट प्लीज़ अगर हो सके तो आप इसको मत लगाना, आप डोमैट के पास जाओ। सो या दैट वॉज थिंग कि ये वाली क्रीम्स आप मत यूज़ करना, हो सके तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चल जाना। बट इसके अलावा मैंने आपको जो बताया है, दैट इज़ मेन थिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये कुछ बाहर से नहीं हुआ है कि आपने ये चीज़ लगाई या कुछ ऐसा हो गया। तो ये क्रीम्स देख लेना, बट सिंपल स्किन केयर और अपनी डाइट में से मिल्क की कंजम्पशन आपको कम करनी है, और डाइट में थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेना, इतना ज़्यादा कोई इतना इश्यू नहीं है। बट अगर आप ज़्यादा जंक खाते हो देन डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम, बट घर का खाना उसके साथ थोड़ा बहुत बाहर का खा लिया। और एक्सरसाइज आपको करनी है 1 घंटा, ठीक है, कुछ ना कुछ करना है। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड इफ यू डेट प्लीज इवन द वैन इज सेइंग प्लीज सब्सक्राइब। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज्यादा कम है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कॉमेंट सेक्शन में बताना आपने क्या क्या फॉलो करा है। एंड या दैट इज इट फॉर द वीडियो, बाय बाय। I want to take